ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने ना सिर्फ अपने पिता का सपना पूरा किया बल्कि समाज को आईना दिखाने का भी काम किया। मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के घास मंडी में रहने वाली 29 वर्षीय अंजुम एक ऐसे समाज से है जहां ना सिर्फ लड़कियों पर पढ़ाई लिखाई पर पाबंदी रहती है बल्कि उन्हें आधुनिक सुख सुविधाओं से भी दूर रखा जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद अंजुम ने आज अपने दिवंगत पिता रशीद के उस ख्वाब को पूरा कर दिखाया है। आपको बता दें कि 1992 में अज्ञात बदमाशों ने अंजुम के पिता रशीद की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद परिवार की जिम्मेदारी बड़े बेटे दिलशाद सैफी के कंधों पर आ गई। अंजुम को दिन रात पढ़ाई लिखाई करता देख बड़े भाई दिलशाद ने बाप बनकर अंजुम के हौसले को हिम्मत देने का काम किया। अंजुम ने मुजफ्फरनगर के DAV इंटर कॉलेज से इंटर की पढ़ाई कर इसी कॉलेज से LLB फाइनल कर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की PCSJ 2016 परीक्षा की तैयारी में जुटी और परीक्षा पास कर अपने पिता के सपनों को पूरा कर दिखाया। सुनिए क्या कहना है अंजुम सैफी का। अंजुम, आपने जो अचीवमेंट किया है जी, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, कैसे महसूस कर रही हैं? आई एम फीलिंग वेरी प्राउड और बहुत खुश हूँ। माशाल्लाह अल्लाह का बहुत करम है, फैमिली का सहयोग और बहुत खुशी मिल रही है माशाल्लाह। किस तरह से काम करना चाहेंगे आप? कोर्ट में जाएंगे, आगे बहुत जिम्मेदारियाँ होंगी आपके जी, तो ऐसे में किस तरह से काम करेंगे आप, क्या प्रायोरिटी रहेगी? सबसे पहले तो मैं निष्पक्ष रहूँगी और खुद ये रहेगा कि ऑनेस्टी रहे और जल्द से जल्द फैसला हो सके। जी, ये ड्रीम किसका ड्रीम था? कहीं ना कहीं मेरे पापा का भी था, फिर बड़े भैया का रहा, फिर अम्मी का रहा, सबका मिलकर कुल मिलाकर जो भी आपके सामने है ये सब परिवार का ही है ये। जी, आपके फादर तो एक्सपायर हो गए हैं। जी जी, ऐसा कि आपके मन में रहा होगा कि पापा का ड्रीम है। जी जी, आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ दिस टाइम। बहुत अच्छा होता, बहुत अच्छा होता अगर पापा होते इस वक्त। तो देखा आपने कि पिता का सपना पूरा कर एक बेटी कितना गर्व महसूस कर रही है। अब सुनिए क्या कहना है अंजुम की माता अमीदा का। आपकी बेटी कामयाब हुई है? बहुत खुशी है मुझे। मेरी चौगुनी हो गई, अब जो पापा ने काम करा था करते हैं वो मैं कर रही हूँ, इसके लिए माँ बाप का प्यार दे रही हूँ इन्हें। तो कैसा लग रहा है बेटी? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, उनका जो सपना था इसने पूरा कर दिया मेरी बेटी ने। इस बेटी से क्या लेना, मुझे इज्जत दे रखी है मुझे इसने, इतनी इज्जत दे दी शायद कोई बेटी भी नहीं दे सकती मुझे, बचपन से लेके अब तक। बहुत ध्यान रखती है मेरा, पढ़ती भी है, ध्यान भी रखती है, काम भी करती है। बहुत अच्छा, बेटे भी बहुत अच्छे मेरे, बेटे भी बहुत अच्छे हैं मेरे माशाल्लाह, पूरी फैमिली अच्छी है, दुल्हन भी बहुत अच्छी है मेरी। मैं कभी उनको याद करना नहीं चाहती, जो मेरे ऊपर मुसीबत गुजरी ना, अब खुशियों से जीना दो मुझे। क्योंकि मेरे बच्चों के दिल पर चोट पड़ती है, मैं त्योहार को भी याद नहीं करना चाहती उन्हें, जो ऊपर वाले की मर्जी थी वो हो गया। SPN9 न्यूज के लिए मुजफ्फरनगर से सचिन जौहरी की रिपोर्ट।